नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट। न्यायालय से जमानत पर रिहाई के बाद सांसद रामस्वरूप शर्मा ने सीएम से इस्तीफे देने की उठाई मांग। कहा, न्यायालय से छूटने के बाद महत्वपूर्ण पद पर रहना ठीक नहीं। धूमल ने नगर निगम शिमला के चुनावों को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत। कहा, प्रदेश कांग्रेस सरकार खो चुकी है सत्ता में बने रहने का अधिकार। रोड़ा गांव के लोग मिले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शानिल से। श्री राम लोक मंदिर के विवाद को सुलझाने की उठाई मांग। और प्रेस क्लब सुंदरनगर की ओर से पोलो रीजेंसी में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। पत्रकार की समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका, बोले सीपीएस सोनलाल ठाकुर। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने सीएम वीरभद्र सिंह से इस्तीफे की मांग उठाई है। सांसद रामस्वरूप शर्मा का कहना है कि न्यायालय से जमानत लेने के बाद किसी भी महत्वपूर्ण पद पर बने रहना उचित नहीं होता और ऐसे में उन्हें नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मंडी में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह के आय से अधिक संपत्ति के जो मामले चल रहे हैं उसके बारे में प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है। उन्होंने कहा कि सीएम ने एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार अपने इन कुकृतियों से प्रदेश की जनता को शर्मसार किया है। ऐसे में अब उनका सीएम जैसे महत्वपूर्ण पद पर बने रहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह को अपने पद से इस्तीफा देकर न्यायालय में चल रहे मामलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मुझे विश्वास है, हिमाचल जनता को विश्वास है कि जो जो कुकृत्य जिसे कहा जाए, जो जो आरोप वीरभद्र जी पर लगे हैं, अब पूरी जनता के सामने आने वाले हैं। दूसरा, जो व्यक्ति न्यायालय से जमानत पर छूटता है उसे किसी भी महत्वपूर्ण पद पर, प्रशासनिक पद पर रहने के अधिकार नहीं रहता और उन तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और न्यायालय में लगे आरोपों को सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने नगर निगम शिमला के चुनावों को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए प्रदेश कांग्रेस सरकार के मुंह पर करारा तमाचा करार दिया है और कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश सरकार के निर्णय को असंवैधानिक व गलत ठहराए जाने के पश्चात प्रदेश कांग्रेस सरकार सत्ता में बने रहने का अधिकार खो चुकी है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि इसी के साथ कांग्रेस और कम्युनिस्टों के हाथों कठपुतली बनकर गलत निर्णय देने वाले चुनाव आयुक्त को भी उनके पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के इस फैसले ने न केवल कांग्रेस और मार्क्सवादियों के षड्यंत्र को बेनकाब किया है बल्कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की भी रक्षा की है। न्यायालय का यह फैसला निश्चित रूप से ऐतिहासिक व सराहनीय रहा है। धूमल ने कहा कि वर्तमान सरकार में ना तो शासकीय पारदर्शिता है और ना ही आर्थिक पारदर्शिता, प्रदेश में केवल जंगल राज है। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है संवैधानिक प्रावधानों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसका नवीनतम उदाहरण प्रदेश सरकार का नगर निगम चुनाव टालने का फैसला था। धूमल ने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए न केवल सरकार के फैसले को ही अवैध ठहरा दिया है बल्कि 18 जून से पहले नगर निगम शिमला के चुनाव करवाने के आदेश पारित करके कांग्रेस सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात सरकार सत्ता में रहने का हक खो चुकी है। ऐसे में सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि वर्तमान नगर निगम का कार्यकाल 5 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में इस तिथि के पश्चात नगर निगम शिमला के शासकीय प्रबंधक को कौन देखेगा? सरकार के पास ना तो पहले इसका जवाब था और ना अब है। उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों के बिना नगर निगम को चलाना और संविधान प्रत अधिकारों ना केवल उल्लंघन है बल्कि सरेआम लोकतंत्र की हत्या है, जो प्रदेश कांग्रेस सरकार व मार्क्सवादियों ने एक षड्यंत्र के तहत करने की कोशिश की है। धूमल ने कहा कि भाजपा का स्पष्ट मत है कि स्थानीय निकायों के चुनावों को नहीं टाला जा सकता है। केवल हार के डर से ही कांग्रेस ने लोकतंत्र प्रणाली का अपहरण करने का गंभीर अपराध किया है।
इसकी सजा निश्चित रूप से कांग्रेस व कम्युनिस्टों को आने वाले चुनावों में मिलेगी। प्रोफेसर धूमल ने चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की कठपुतली बनकर गलत निर्णय लेने वाले चुनाव आयुक्त को भी न्यायालय के इस फैसले के पश्चात से अब अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं रह गया है। उन्होंने तुरंत अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए अथवा तत्काल प्रभाव से उन्हें पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसी के साथ चुनाव प्रक्रिया से जुड़े उन अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जिनकी लापरवाही से यह संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर न केवल दोषी व्यक्तियों की जवाबदेही तय की जाएगी बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने राजू ठाकुर के प्रयासों की भी सराहना की है जिनकी सक्रियता के कारण उनके द्वारा दाखिल पेटिशन पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की न केवल रक्षा की बल्कि कांग्रेस सरकार के गलत निर्णयों को लेकर लताड़ भी लगाई और सरकार व मार्क्सवादियों के षड्यंत्रों को बेनकाब किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व प्रतिभा सिंह को जमानत दिए जाने पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी आकाश शर्मा ने कहा कि प्रत्येक हिमाचलवासी ने खुशी जाहिर की है और कहा कि आज भी न्यायपालिका में सत्य का ही बोलबाला है। सीबीआई द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ केस बनाया गया है और जो झूठा केस प्रोड्यूस किया गया पटियाला कोर्ट में, कल उस मामले में कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने जो है माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी को, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह जी को और अन्य आरोपियों को जमानत दी है, जिस फैसले का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो है न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है। पहले भी जितनी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी को झूठे केसों में और षड्यंत्रों में जो है वो फंसाने की कोशिश की और प्रत्येक मर्तबा जो है माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी, चाहे वो सागर कत्था केस था चाहे अन्य केसेस थे, वो पाक साफ होकर निकले हैं। और ये जो केस आज जो है केंद्र सरकार द्वारा बार बार जो है तंग किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, उस केस में भी जो माननीय अदालत ने जमानत माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी को दी है, ये दर्शाती है कि उक्त केस में कुछ भी ना है और आने वाले समय में भी जो है माननीय वीरभद्र सिंह जी पाक साफ होकर निकलेंगे जनता के बीच में। और जो भी केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश सरकार की को स्थिर करने का और गिराने का, वो प्रयास जो है विफल हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल एक ही मुद्दा लेके चले हुए थे कि वीरभद्र सिंह जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो उनको सजा हो सकती है, ऐसा हो सकता है, तो उनको एक मुँह तोड़ जवाब मिला है। और आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दा विहीन पार्टी बन चुकी है। हम लोग जो हैं कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस सरकार ने 4.25 साल में विकासात्मक कार्य जो है हिमाचल प्रदेश में किया और प्रत्येक वर्ग को राहत प्रदान की है, उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और हमारा ये मानना है कि जनता जो है उन कार्यों को परख कर दोबारा जो है कांग्रेस सरकार जो हिमाचल प्रदेश में। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। बीसीए का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है। और पीजीडीसी का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक, हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय
हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये दो विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे, 1,000 रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस, नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पेट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी, प्ले वे विद क्रैच। एडमिशन ऑल्सो स्टार्ट प्रभुदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निक, अ यूनिट ऑफ सचदेवा कॉलेज मंडी। केंद्र सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंडी शहर के अपर पटल मैदान में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी मंडी के अपर पटल मैदान में आयोजित की जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्षों में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी प्रदर्शनी के द्वारा दी जा रही है। मंगलवार को सुंदरनगर के भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश चम्वाल ने भी प्रदर्शनी का विजिट किया। इस मौके पर सुंदरनगर भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश चम्वाल ने कहा कि केंद्र सरकार की 3 वर्ष की उपलब्धियां ऐतिहासिक हैं और सरकार की 3 वर्ष की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि कई बार लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। पिछले कल से मंडी में जो मोदी फेस्ट का शुभारंभ मंडी संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद रामस्वरूप शर्मा जी ने किया, आज इस फेस्ट में मुझे भी यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। केंद्र सरकार की 3 वर्ष की उपलब्धियाँ और योजनाएँ को लेकर ये मोदी फेस्ट का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं जिनके बारे में आम जनता को जानकारी यहां पर दी जा रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की जानकारी नहीं है, जिसके लिए इस मोदी फेस्ट का आयोजन किया गया है और यहां पर हजारों लोग आकर मोदी फेस्ट की में यहां पर पहुंचकर केंद्र सरकार की जो योजनाएँ उनकी जानकारी ले रहे हैं और वही केंद्र की सरकार के माध्यम से हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र में भी पिछले 3 वर्षों में जो विकास हुआ है वो एक ऐतिहासिक विकास इस मंडी संसदीय क्षेत्र में भी हुआ है, जिसके लिए हम देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। उसी के साथ मंडी संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद रामस्वरूप शर्मा जी का भी धन्यवाद करते हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। सुंदरनगर जिला अध्यक्ष पवन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के गठन के 3 साल में मोदी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि हर 2 साल 2 करोड़ रोजगार, महंगाई पर रोक, विदेशों से काला धन लाना, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर लगाम लगाने जैसी झूठी वायदे कर जनता को भ्रमित कर सत्ता में आई है। इस 3 सालों में एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। पवन ठाकुर ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार 3 साल में झूठ और झमोले बोलने के अलावा सभी मामलों में नाकाम रही है। विदेशों से काला धन लाकर हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख जमा करने जैसी झूठी वायदे किए हैं। मोदी सरकार जनहित में कोई भी बड़ी योजना अभी तक शुरू नहीं की है। उन्होंने महंगाई पर चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी काल में महंगाई 300 गुना बढ़ी और रोजगार के सपने दिखकर बेरोजगारों के साथ धोखा किया।
मोदी के दौर में कश्मीर जल रहा है। पाक सबक सिखाने चले एनडीए द्वारा करीब 200 बार सीज फायर करके विदेशी नीति का उल्लंघन किया है। सरहद पर देश के जवान शहीद हो रहे हैं या सीधे तौर पर लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है। आज जो एनडीए सरकार के 3 वर्ष जो है कार्यकाल जो पूरा हो गया है, मोदी जी आज देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि मोदी सरकार के 3 साल बेमिसाल। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि 3 साल में ऐसा क्या हुआ जो आप कहते हैं कि हमारे जो 3 साल बेमिसाल रहे। आपने 3 वर्ष पहले देश की जनता से वादा किया था कि हम बेरोजगारों को प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जो आज इंडिया टुडे का जो सर्वे है उसमें 3 साल में सिर्फ 6 लाख लोगों को ही नौकरी दी गई है। तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि हमारा जो 3 साल है बेमिसाल है, इसी तरह से उन्होंने कहा था कि हम आम महंगाई के ऊपर लगाम लगाएंगे, तो 3 साल में जो रेट थे वो 300 गुना बढ़े हैं, चाहे दालों का था चाहे और खाना की जितनी भी सामग्री है उसका 300% जो है दाम बढ़े हैं। जो दाल 50 रुपये की आज वो 150 और 200 के बीच में है। तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आपके 3 साल कैसे बेमिसाल थे। आपने देश की जनता से कहा था कि हम काला धन विदेशों से काला धन लाएंगे और प्रत्येक भारतीय नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जाए पहुँचाएंगे। तो हम मोदी से पूछना चाहते हैं कि आपने 3 वर्ष में कितने देशवासियों के खातों में आपने 15 लाख रुपए पहुँचाया और विदेशों से कितना काला धन है वो आपने। इस अवसर पर महिला जिला अध्यक्ष पूजा, सुंदरनगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत शर्मा, महासचिव सुनील शर्मा, प्रवक्ता ब्रह्मदास चौहान भी मौजूद थे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 में 9वीं कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई 2017 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करवा सकते हैं। परीक्षा की तिथि 24 जून 2017 है। किसी अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। दूरभाष नंबर 0190582026। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नए चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहां पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहां पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण, साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, निरचौक। हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य पर प्रेस क्लब सुंदरनगर की ओर से पोलो रीजेंसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीपीएस सोनाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सीपीएस सोनाल ठाकुर का कहना है कि 191 वर्ष पूर्व हिंदी पत्रकारिता का जन्म हुआ था और पत्रकार की समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका है। सीपीएस सोनलाल ठाकुर ने कहा कि देश विदेशों में हिंदी पत्रकारिता का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा देने में स्वतंत्रता सेनानियों का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से पत्रकारों को आम जनता के साथ सीधे तौर पर संवाद होता है। बदलते परिवेश में भले ही इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का दौर भी आया है, लेकिन हिंदी पत्रकारिता की अपनी एक अलग ही पहचान है और व्यापक स्तर पर हिंदी समाचारों को लोग पढ़ते हैं।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने समाचार पत्रों में अपने लेखों को प्रकाशित करने के माध्यम से ही देश को आज़ाद करवाने में अपना अहम रोल अदा किया है। इससे पूर्व क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर हिमाचल यूनियन ऑफ जर्नलिज्म के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर रोशनलाल बाली ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का कार्य जोखिम भरा है, सरकार पत्रकारों के लिए भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में समस्याओं को शामिल करे ताकि अवैतनिक सेवाएं दे रहे पत्रकारों को जीवन के अंतिम पड़ाव में कुछ सहारा मिल सके। उन्होंने तमिलनाडु, कर्नाटक व हरियाणा राज्यों की सरकार की तर्ज पर प्रदेश में भी पत्रकारों को पेंशन की सुविधा मुहैया करवाने की पहल करने का आग्रह किया। सुंदरनगर के वरिष्ठ पत्रकार अदीप सोनी ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के कार्डों का नवीनीकरण प्रदेश के 3 उपनिदेशकों के स्तर पर करवाने की बात पर बल दिया ताकि पत्रकारों को शिमला के चक्कर ना काटने पड़े और समय पर पत्रकारों को कार्ड मुहैया होंगे। उन्होंने कार्डों के नवीनीकरण की मान्यता अवधि भी 1 साल से बढ़ाकर 3 साल करने की वकालत की। पहले तो मैं आज के इस मौके पे आपका यहाँ अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ इस हिंदी पत्रकारिता दिवस की कि आप लोग बधाई के पात्र हैं जो इस पत्रकारिता और ख़ासकर हिंदी पत्रकारिता के इस उसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि पत्रकारिता अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही जिम्मेवार भूमिका हमारे समाज की संरचना में निभा रहा है। इस अवसर पर महासचिव बलविंदर सोडी, जसवी ठाकुर, यूसुफ हंसारी, रजनीश हिमालयन, रोशन लाल शर्मा, विजय शर्मा, गगन शर्मा, अमित शर्मा, जितेंद्र कटोच, नितिन महाजन, राजेश ठाकुर, नितेश सैनी, राकेश शर्मा समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की मंडी जिला इकाई का कहना है कि दवाइयों के ई पोर्टल और ऑनलाइन फार्मेसी से देश में करीब 8.5 लाख दवा विक्रेता प्रभावित होंगे और 50 लाख कर्मचारियों के रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसमें मंडी जिला के 750 दवा विक्रेता भी शामिल है। भारत सरकार के ई पोर्टल और ऑनलाइन फार्मेसी की योजना का विरोध करने के लिए मंगलवार को देश भर के दवा विक्रेता सड़कों पर नजर आए। इसी कड़ी में मंडी जिला के दवा विक्रेताओं ने भी हड़ताल में अपना समर्थन दिया। दवा विक्रेताओं की दुकानें बंद रही और दुकानदार सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताते हुए नजर आए। दवा विक्रेताओं ने मंडी शहर में एक रोष रैली निकाली और जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री को अपना ज्ञापन भेजा। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की मंडी जिला इकाई के प्रधान योगेश वर्मा ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से जहां दवाइयों का मिसयूज बढ़ जाएगा, वहीं आम लोगों को भी दवाइयां खरीदने में भारी दिक्कत होगी, क्योंकि अधिकतर इलाकों में इंटरनेट नहीं है और लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। उन्होंने सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग उठाई है। इनका कहना है कि ऐसा निर्णय देश के 8.5 लाख दवा विक्रेताओं और 50 लाख कर्मचारियों के लिए घातक साबित होने वाला है। और देश के करीब 8.5 लाख केमिस्ट और 50 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। ये जो कुछ एक मुद्दे बताए मैंने आपको, तो इनसे जो है केमिस्ट जो बंधु हैं हमारे वो प्रभावित होंगे। यहाँ जिला मंडी में भी जो हमारे केमिस्ट जो हैं, रिटेलर्स एंड होलसेलर, वो करीब 750 के करीब हैं। तो ये हमारी कुछ एक मुद्दे थे जो हमने डीसी साहब के माध्यम से हमने एक ज्ञापन सौंपा है उनको। रिपोर्ट के चैनल खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।